ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम संयोजकता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संयोजकता, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। तत्व परमाणु बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझेदारी करता है। ये अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे लिखते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन वाले यानी ऐसे परमाणु जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? अष्टक कहते हैं। अष्टक प्राप्त करने के लिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए परमाणु क्रिया करते हैं, इसके लिए वे इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसके लिए वे इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अथवा इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझेदारी करते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए अष्टक पूरा करने के लिए
अष्टक पूरा करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं अष्टक पूरा करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अथवा ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अथवा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं अथवा इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझेदारी करते हैं अथवा इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझेदारी करते हैं उसे इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझेदारी करते हैं वही संयोजकता वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु की वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु की संयोजकता कहलाती है वही इलेक्ट्रॉन संख्या परमाणु की संयोजकता कहलाती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु की संयोजकता कहलाती है इसके लिए हम एक उदाहरण देखेंगे उदाहरण से ही ये समझ में आएगा हमें उदाहरण के लिए सोडियम देखिएगा सोडियम परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पहले कोश में दो इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में आठ और तीसरे में एक होता है इसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है प्रोटॉन पे धनावेश इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश इस प्रकार से सोडियम इस अवस्था में
उदासीन अवस्था में होता है, अर्थात जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। लेकिन सोडियम अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा, अष्टक पूरा करने के लिए सोडियम को क्या करना पड़ेगा, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए सोडियम के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग दे, जब वो एक किसी को दे देता है तो इसका ये वाला कोश तो खत्म हो जाएगा बाह्यतम कोश, अब ये वाला कोश कौन सा हो जाएगा, बाह्यतम कोश हो जाएगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8, इसका अष्टक पूरा हो जाता है। एक तो ये काम कर सकता है। दूसरा वाला काम है कि ये किसी से, एक तो इसके पास है, यदि एक 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु से ले लेता है या उनके मध्य साझेदारी कर लेता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, एक तो इसके पास है ही ऑलरेडी, और 7 और आ जाते हैं तो कितना हो जाते हैं 8, इस प्रकार से ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है। लेकिन सरलतम काम किया जाता है, एक को त्यागना और 7 को ग्रहण करना, इनमें से जो काम सरल होगा वो होता है। आप सब जानते हैं एक को त्यागना क्या है, सरल है, इसलिए यहाँ सोडियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो ये त्याग है, यहां लिखेंगे हम अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने पर क्या करेगा, ये Na2+, यहां प्रोटॉन तो इसके पास आज भी जा रही है, प्रोटॉन नहीं त्याग दिया था, केवल इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था, और वो कितना त्याग दिया था, एक त्याग दिया था। अब इसके पास कितने आ जाएंगे, Na+1, ये इसकी संयोजकता कहलाती है, सोडियम की संयोजकता होगी 1, सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाती है, सोडियम की संयोजकता इस प्रकार से 1 मान ली जाती है। इस प्रकार से सोडियम जो परमाणु होता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और त्याग कर क्या प्राप्त कर लेता है, Na+1, एक इसकी संयोजकता कहलाती है, एक जो है वो इसकी क्या होगी, सोडियम परमाणु की संयोजकता होती है। इसी प्रकार देखिएगा, ये तो पहला उदाहरण हो गया, अगला उदाहरण देखें आप, ये तो पहला था सोडियम का, दूसरा लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, 2+8+2, यहां प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन भी 12, और मैग्नीशियम पर क्या हो जाएगा, आवेश 0। इस अवस्था में इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, संयोजकता नहीं होती, अपना अष्टक पूरा करेगा। तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, अष्टक पूरा करने के लिए मैग्नीशियम अपने बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। भाई दो ऑप्शन है इसके पास, या तो ये 6 ग्रहण करे या तो किसी को दे दे, 6 ग्रहण कर ले तो 2 और 6 कितने हो जाते हैं 8, उसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो ये काम, ये ऑप्शन है इसके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाह्यतम कोश से त्याग देता है तो इसका ये वाला कोश क्या हो जाएगा, पूरा माना जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा इसका। तो सरलतम काम होता है 2 को देना और 6 को लेना, दो को देना क्या होता है, सरल होता है 6 की तुलना में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इस प्रकार से इसके पास प्रोटॉन तो कितने हो जाते हैं 12, इलेक्ट्रॉन से 2 त्याग दिए थे तो कितने रह गए 10। अब मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या जाता है +2, तो 2 इसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता। 2 क्या कहलाएगी, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 मानी जाती है। इस प्रकार से हम इनका परिकलन करते हैं, संयोजकता का निर्धारण कर लेते हैं। अष्टक को पूरा करने के लिए प्रत्येक जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अथवा इलेक्ट्रॉन के मध्य साझेदारी करके अष्टक पूरा कर लेता है और संयोजकता का निर्धारण करता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखें आप, अगला उदाहरण देखें आप, थर्ड नंबर डालकर फ्लोरीन, फ्लोरीन 9 होता है बेटा इसका, पहले में 2 और दूसरे में 7। इसके पास भी दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो एक किसी से एक ले ले
एक लेगा तो सात तो इसके पास ऑलरेडी है, एक और सात कितने हो जाते हैं आठ, अष्टक पूरा कर लेगा, किसी को सात दे दे तो सरलता में काम होगा। तो इस अवस्था में तो इसके पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी है नौ और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है नौ, फ्लोरीन पर कोई आवेश नहीं है, किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। लेकिन अष्टक पूरा करेगा अपना फ्लोरीन परमाणु, तो अष्टक पूरा करने पर फ्लोरीन परमाणु दो आठ, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, तो फ्लोरीन के पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है नौ, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई पहले से नौ तो पहले से थे, एक और ग्रहण कर लिया तो ग्रहण कर लिया कितना हो जाएगा दस, इस प्रकार से इसके ऊपर चार्ज कितना जाएगा माइनस एक, तो एक क्या कहलाएगी फ्लोरीन की संयोजकता, फ्लोरीन परमाणु की जो संयोजकता है वो कितनी होगी एक। इस प्रकार से हम संयोजकता का निर्धारण कर लेते हैं। ये संयोजकता का निर्धारण करना करने का तरीका होता है आठ, जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो आठ में से अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको घटा देते हैं, वो उसमें क्या कहलाया आ जाती है संयोजकता आ जाती है, और वहां जितने त्यागे जाते हैं उतना अंग जो होता है वो उसकी संयोजकता कहलाता है। इसी प्रकार एक क्लोरीन परमाणु का उदाहरण और देख लेते हैं हम, उदाहरण नंबर चार क्लोरीन सीएन इसका 17 होता है तो दो आठ सात, यहां प्रोटॉन की संख्या 17 इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, अष्टक पूरा करने पर दो आठ आठ, भाई तब उसमें सात हैं एक ग्रहण कर लेगा कितना हो जाएगा आठ, सात किसी को दे या एक किसी से ले, सरलतम काम होता है तो एक ले लेता है। इस कंडीशन में प्रोटॉन तो क्लोरीन के पास आज भी कितने हैं 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 18, क्योंकि एक ग्रहण और कर लिया, इस पर प्रकार से क्लोरीन के ऊपर कितना आ जाता है माइनस एक चार्ज, तो इसकी संयोजकता क्या कहलाएगी एक, संयोजकता कितनी कहलाती है एक कहलाएगी इसकी क्लोरीन परमाणु। आपको याद हो इसके बाद जो 18वें नंबर पर आता है वो आता है ऑर्गन, दो आठ आठ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है 18 18, इस प्रकार से इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता और इसकी संयोजकता शून्य मानी जाती है, क्योंकि बाहिकल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये ले सकता ना ये दे सकता। ऐसी स्थिति में यदि ऐसे परमाणु जिनके बाहिकल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, ना किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, ना इलेक्ट्रॉन के मध्य साझेदारी कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में ऐसे तत्व या परमाणु जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं उनकी संयोजकता को शून्य माना जाता है, और ये अक्रियाशील तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये अक्रियाशील तत्व, अक्रियाशील तत्व कहलाते हैं, अक्रियाशील तत्व की श्रेणी में आते हैं ये, जो ना तो उनके बाहिकल कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा न इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ये अक्रियाशील तत्व की श्रेणी में आते हैं। ये आपका संयोजकता वाला टॉपिक था, इसमें आपको कुछ तत्वों की संयोजकता का निर्धारण करना है, उसके लिए तालिका का निर्धारण करना है, आपको तालिका बनानी है और आप मेरे साथ साथ उस तालिका का निर्धारण करेंगे।
यहां पर लिख लेना परमाणु क्रमांक यहां तत्व का नाम यहां लिख लेना प्रतीक यहां के कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है के कोष में इलेक्ट्रॉन यहां लिख लेना एल कोष में इलेक्ट्रॉन एम कोष में इलेक्ट्रॉन और यहां लिखना एन कोष में इलेक्ट्रॉन और लास्ट में आप देखेना उसकी संयोजकता। परमाणु क्रमांक एक इस पर होता है, तत्व का नाम है हाइड्रोजन, प्रतीक H। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी के कोश में होता है। इस प्रकार से इसकी संयोजकता का निर्धारण यही की होगा, L, M और N कोष में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। दो नंबर पर जो परमाणु है वो होता है हीलियम, हीलियम H E से प्रदर्शित किया जाता है। इसके के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो होती है, इसके बाद यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता और इसकी संयोजकता को शून्य माना जाता है। संयोजकता शून्य मानने का कारण यह है कि इसका जो प्रथम कोष है वो पूर्ण भरा होता है, पूर्ण भरा होने के कारण इनका ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कंडीशन होते हैं ना त्यागने की कंडीशन होते हैं। नंबर तीन पर आता है तुम्हारा लिथियम, लिथियम लिथियम को Li से प्रदर्शित किया जाता है। यहां इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो बार दो इलेक्ट्रॉन पा जाते हैं एक कोष में, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आता है एल कोष में, एक इलेक्ट्रॉन आएगा एल कोष में। इस प्रकार से इसकी जो संयोजकता होती है वो एक मानी जाती है लिथियम। लिथियम के बाद होता है बेरिलियम, नंबर चार पर आएगा बेरिलियम, बेरिलियम ये बीई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो तो होते हैं के कोष में और दो होते हैं एल कोष में। M और N दोनों ही इसके रिक्त होते हैं और इसकी संयोजकता दो मानी जाती है। नंबर पांच पर आता है तुम्हारा बोरॉन, B के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके पास पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो पहले कोष यानी K कोष में तो होते हैं दो इलेक्ट्रॉन और L कोष में होते हैं तीन इलेक्ट्रॉन, और इसकी संयोजकता जो होती है तीन मानी जाती है। छठवें नंबर पर आपका आता है कार्बन, छठे नंबर पर आता है कार्बन, छठे नंबर पर कार्बन
इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो तो होते हैं K कोश में और 4 होते हैं L कोश में, दो तो होते हैं और 4 होते हैं, और M और N जो कोश है वो रिक्त होते हैं, इसकी संयोजकता को निर्धारण 4 के रूप में किया जाता है। बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इसलिए अगला सातवें नंबर पर जो होता है वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसको N के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ, और पहले में 2 यानी के कोश होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, और जो L कोश होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। प्रिय विद्यार्थी और बाबा यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ N कोश और N कोश तो एक होते हैं, इसकी जो संयोजकता होती है उसके निर्धारण के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 5 तो इसके पास ऑलरेडी है, 3 और आ जाएगा तो कितने हो जाते हैं 8, इस प्रकार से अष्टक पूरा कर लेगा। इसलिए इसकी संयोजकता 8 में से 3 5 में से 8 में से 5 घटा देंगे, भाई पर कोश में जब 5 इलेक्ट्रॉन लिए 8 में से घटा देते हैं, जितना अंक आएगा वो उसकी संयोजकता होती है, तो कितना आ जाएगा 3, तो इसकी संयोजकता जो है वो कितनी हो जाएगी 3। इसी प्रकार 8वें नंबर पर आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन को O के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोश यानी पैक्स और प्रथम कोश जिसे के कोश कहते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 6, 8 में से 6 गए तो कितने बचे 2, तो इसकी संयोजकता कितना अंक हो जाएगा 2। ऐसे ही 9 पर कौन आता है फ्लोरीन, कौन आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन को F से प्रदर्शित करेंगे हम, फ्लोरीन के पहले कोश में 2 और दूसरे वाले में कितना हो गया 7, 8 में से 7 गए तो कितने ये दोनों कोश में से रिक्त होते हैं, यहाँ कितनी संयोजकता आएगी 1, कितनी संयोजकता आ जाती है 1। और 10वें नंबर पे कौन आता है नियॉन, 10वें नंबर पे कौन आएगा नियॉन, नियॉन को N E से दिखाया जाता है, यहां इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने हो गए 8। अब बाह्य कोश जिसको हम अंतिम कोश कह रहे हैं, L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा, अर्थात ये क्या करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता ना ग्रहण कर सकता ना साझेदारी करेगा, इस स्थिति में इसके पास संयोजकता मुक्त हो जाएगी 0। इस प्रकार से हम तत्वों की संयोजकता का निर्धारण करते हैं। इसके बाद ये कुछ तत्व है जिनकी संयोजकता का निर्धारण आपको इस प्रकार से करना है, समझना है। अगली कक्षा में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, धन्यवाद।